नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ। ब्लैक शॉट में आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फोटोशॉप के जरिए कोई भी फोटो पे आप आउटलाइन लगा सकते हो। जैसे यहां पे मेरा बहुत सारे थंबनेल देख सकते हो कि ये फोटो के चारों ओर एक ये व्हाइट कलर का एक लाइन खिंचा हुआ है, तो ये कैसे किया जाता है वो भी फोटोशॉप के जरिए, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये कैसे किया जाता है, आउटलाइन कैसे खींचा जाता है और उस फोटो को कैसे अपना थंबनेल में यूज किया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मेरा फोटो है, इसको कट करूंगा, उसके बाद इसके चारों ओर जो लाइन खींचा हुआ था, मतलब आउटलाइन जो खींचा हुआ था वो मैं क्रिएट करूंगा। ओके, तो इसको पहले ओपन विथ फोटोशॉप पे करते हैं। ओके, एडोबे फोटोशॉप CS6, मैं यहाँ पे CS6 का यूज कर रहा हूँ, तो इसको ओपन करते हैं। ये फोटोशॉप ओपन हो जा रहा है। कोई भी पिक्चर में आप अगर आउटलाइन खींचना चाहते हैं तो एंड्रॉयड से भी हो सकता है, उसके लिए बेहतर ऐप है आई थिंक पिक्सआर्ट है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ कि पिक्सआर्ट के जरिए आप ये जो आउटलाइन जो है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, फोटोशॉप में आप अपना इमेज को ओपन करके आप यहाँ पे आप देख सकते हो लैसो टूल है, पॉलीजोनल लैसो टूल है, मैग्नेटिक लैसो टूल है, इससे भी आप अपना जो ये है इमेज है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे बेहतर जो है, ये थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इससे भी आपको अगर बेहतर चाहिए तो आप यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको क्विक सिलेक्शन टूल मिलेगा। क्विक सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्विक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस प्लस करके कितना जल्दी से हो जा रहा है, ये हो गया, कितना जल्दी हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो कि अलग जो आपका इमेज जो है, इमेज का बाहरी हिस्सा भी ये सेलेक्ट हो गया है। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको जहाँ पे माइनस होना चाहिए यहाँ पे मतलब माइनस होगा, तो ये आप ऐसे माइनस कर सकते हो। कितना मतलब बहुत जल्दी होता है, फास्ट काम करने के लिए ये आपका बहुत ये क्विक सिलेक्शन टूल बहुत मतलब काम का चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हो ये कान छूट गया है, तो इसको मैं प्लस डालता हूँ, उसके बाद इसको ये सेलेक्ट कर लिए। ओके, यहाँ पे माइनस करना है, ये आपको थोड़ा टाइम देके कर लेना है, कुछ यही आपका काम है बस, और कुछ नहीं है। ओके ओके, ये हो गया। आप यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करके जूम करके देख सकते हो। ओके, ये कहाँ पे ठीक हुआ है कहाँ पे गलत हुआ है, तो ये थोड़ा आप देख लीजिए। ओके, जैसे ही ये आपका इमेज सिलेक्ट हो जाएगा, जाना है आपको इस ऑप्शन में, उसके बाद आपको कीबोर्ड में आपको जो ये जो है बैकग्राउंड इसको सिलेक्ट कर लेना है। कीबोर्ड में जाके आपको कंट्रोल प्लस सी दाबना है। ओके, हो गया। उसके बाद जाके आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है, एक न्यू लेयर क्रिएट करना है। यहाँ पे देख सकते हो न्यू, उसके बाद लेयर। ओके, ये है लेयर वन। ओके, यहाँ पे आपको देख लेना है कलर जो है, जो भी है मोड जो है, नॉर्मल ओपेसिटी ये ठीक ठाक होना चाहिए, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ही होता है। ओके, उसके बाद ओके प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर एक सेट हो गया, उस लेयर को सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, उस पर हाथ ले जाके, उसके बाद कंट्रोल भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेयर को जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, ओके चलिए इसको मैं ये कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, तो ये लेयर जो है देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी अशुद्धियाँ है, काफ़ी जगह पे ये घट गया है। तो ये आपको क्विक सिलेक्शन टूल से आपको बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपका इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, सॉरी आपका जो इमेज का बैकग्राउंड है वो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं तो आप दूसरा जो जैसे आप थंबनेल में सेट कीजिएगा तो ये नहीं होने वाला है। ओके, जैसे ही आपका ये कट होके यहाँ पे आ जाएगा, आपको नॉर्मल से बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी जगह पे ख़राब दिख रहा है, तो उसको थोड़ा एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको रबर का यूज़ हो सकता है, बहुत सारे चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप पिक्चर को जूम कर लीजिए। ओके ओके, जूम कर लें, उसके बाद जहाँ पे आपको एडिट करना है वो इरेजर दे के आप यहाँ पे ठीक ठाक कर ले, स्मूथ कर सकते हो ये जितने सारे किनारे हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो लग रहा है कि चूहा ने खा लिया है। अब आपका जो ये नया लेयर बनाए थे, मतलब ये जो है इस पर जाना है, पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ पे सबसे जो टॉप है, राइट क्लिक करके जाना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रोक, स्ट्रोक नाम का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये ऑलरेडी ये ब्लैक कलर का पड़ गया है, यहाँ मतलब यहाँ पे आपको कलर जो है आपको सेट कर लेना पड़ेगा। अगर रेड करना चाहते हो तो रेड कर सकते हो, अगर ग्रीन करना चाहते हो सॉरी अगर ग्रीन करना चाहते हो तो ग्रीन पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो कलर ना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अभी वाइट ही करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है वाइट। ओके ओके कर देता हूँ। अब आपका जो आउटलाइन है उसका साइज क्या होगा वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे बढ़ा के घटा के यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके ये थोड़ा ये हो गया। ओके आपका जैसे ऑल एडिट हो गया है, उसके बाद आप इसको इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको सेव एस पीएनजी फाइल में आपको करना है, ठीक है, पीएनजी फाइल में कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पीएनजी फॉर्मेट जो है पीएनजी फाइल में आप सेव कर लीजिए। डेस्कटॉप में कर लेते हैं, डेस्कटॉप सॉरी डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए। ओके ये सेव हो गया। ओके तो चलिए इस इमेज को बंद कर देते हैं। नो अब नया एक इमेज को खोलते हैं जहाँ पे मेन काम करना है, जिसको मेन थंबनेल बनाना है। ओके थंबनेल ये हो गया। अब यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए, फाइल पे जाना है, प्लेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो था यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप पे ही है, ये मेन वीडियो सॉरी ये मेन इमेज था, वहाँ पे जो कट किए थे जो नया लेयर बनाए थे ये है। ओके तो यहाँ पे आप छोटा बड़ा करके मैनेज कर लीजिए। ओके ओके ऐसे आप कर सकते हो, कहीं पे भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, ड्रैग करके हटा के सकते हो। ठीक है अच्छा लग रहा है ना, अब आपको छोटा बड़ा कर सकते हो, छोटा बड़ा कर लेना है मैनेज करके। उसके बाद राइट जो टिक मार्क है यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा माथा कट गया था मेरा, ऊपर जो हिस्सा था वो कट गया था। यहाँ पे आप थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्विक सिलेक्शन के टाइम में वो मैं ड्रॉ नहीं किया था, तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये जो नीचे जो है यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर लीजिए पहले से ही, जैसे आपका क्विक सिलेक्शन जो होता है ना, यहाँ पे मेरा पूरा सिलेक्ट कर लिया था, तो वो आप सिलेक्ट नहीं कीजिए, वो थोड़ा इस छोड़ छोड़ के ही इतना रखिए, तब बेहतर होगा, अच्छा लगेगा आपको। अगर चारों और चाहिए तो नीचे भी चाहिए तो आपके हिसाब से कर लीजिए। ओके अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि एंड्रॉयड से कैसे ये किया जाता है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप पा सकते हो। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।